अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट खानजादा अब्दुल रहमान यूसुफजई, आपके सामने एक दर्दनाक और दिल को हिला देने वाली रिपोर्ट पेश की जा रही है जो एक तहकीक पर मबनी है। वजीर आला पंजाब ने सानिहा साहिवाल के हकाइक और मुश्तरका तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट 3 दिन में कौम के सामने लाने का वादा किया था, मगर मुश्तरका टीम की हतमी रिपोर्ट 3 दिन में कौम के सामने लाने का वादा करने के बावजूद मगर मुश्तरका तहकीकाती टीम अभी तक एक मुबहिम सी और मफूजों पर मबनी रिपोर्ट ही पेश कर सकी है। रिपोर्ट से नाकाबिले फहम कार्रवाई के तजादात और उलझाओं में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। सीटीडी, आईजी पंजाब और पंजाब हुकूमत के वजीरों ने साहिवाल में जुल्म व बर्बरियत और हैवानगी पर शर्मनाक रद्द अमल का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने दीदा दलेरी से झूठ बोले, पहले कहा क्या गाड़ी में अगवाकार थे, 3 बच्चे बाजियाब करा लिए गए, फिर कहा गया दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ, 4 दहशतगर्द मारे गए, पहला फायर गाड़ी से हुआ, गाड़ी से गोला बारूद खुदकश जैकेट्स असलहा निकाला गया, गाड़ी के शीशे काले थे, खलील खानदान नजर ही ना आया, जिशान का ताल्लुक गुजरांवाला में खुद का उड़ा लेने वाले काशिफ काशी और अब्दुल रहमान से था, यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोले जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। अगर ये मान भी लिया जाए कि जिशान जावेद दाइश के लिए काम कर रहा था और इसका साल भर से पीछा भी किया जा रहा था, तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पुलिस और सीटीडी साल भर इसका पीछा करती रही, मगर इसके मुखबरों ने ये नहीं बताया कि इसकी गाड़ी में एक मासूम खानदान सफर कर रहा है। सीटीडी और पुलिस का ये मौकफ भी इंतहाई भोंडा है कि जिशान अपनी गाड़ी दाइश के लिए इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अवाम की अक्सरियत पुलिस के खिलाफ तहकीकात के लिए पुलिस की ही मुश्तरका तहकीकाती टीम की किसी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेगी, लिहाजा इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। JIT की कारकर्दगी तो अवाम के सामने आ चुकी है कि और अजागाराना तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आने वाले ऐनी शाहिदीन की हौसला शिकनी कर रही है, जबकि टीम के सरबराह एडिशनल IG साहब अपने मुकम्मल प्रोटोकॉल और हिफाजती दस्ते के साथ जाए वकूआ का दौरा फरमा रहे हैं, जिसे टेलीविज़न के ज़रिए पूरी कौम देख रही है। ऐनी शाहिदीन से कभी पुलिस लाइंस और कभी सरकारी गेस्ट हाउस आने का कहकर इनकी हौसला शिकनी की जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए जानिबदारी से काम ले रही है। तहकीकात में जानिबदारी का अंसर होगा तो JIT की रिपोर्ट की क्या हैसियत होगी? 12 साल उमेर का ये बयान कि अब्बू ने कहा हमें मत मारो, पैसे ले लो, माफ़ कर दो, ये पुलिस और हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। ये सबूत है कि पुलिस अवाम में किस तरह की शोहरत रखती है। आम शहरी थाने में जाने से डरते हैं कि पुलिस का रवैया इंतहाई बुरा होता है। क्या तरबियत याफ्ता पुलिस ऐसे ऑपरेशन करती है? क्या गाड़ी रोककर घेरा डालना, वार्निंग देना, हाथ ऊपर करके बाहर आने का नहीं कहना चाहिए था?
सामने आने वाली वीडियोस और तस्वीर में देखा जा सकता है कि ज़िशान का एक हाथ गाड़ी के स्टेयरिंग पर था और इसने सीट बेल्ट बांधा हुआ है। फिर कहा गया गाड़ी पर उकाड़ा टूल नाका से नज़र रखी जा रही थी, तो जब गाड़ी उकाड़ा टूल नाका पर रुकी होगी तो वहां मौजूद पुलिस नाके पर इसे रोका जा सकता था, क्योंकि हर पाकिस्तानी जानता है कि टूल नाकों के साथ ही मुकामी पुलिस अपना नाका लगाए खड़ी होती है। क्या कम अज़ कम एक कोशिश नहीं होना चाहिए थी मुबैना दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने के लिए? फिर जिस दहशतगर्द का साल भर से पीछा किया जा रहा, जो दहशतगर्दों दाइश का सहूलतकार, इसे तो जिंदा पकड़ना चाहिए था ताकि मालूमात मिलती, दहशतगर्दी के नेटवर्क का पता चलता, इसे यूं मारना था तो साल भर पीछा क्यों किया गया? फिर गाड़ी में दहशतगर्द थे तो इन्होंने मजाहमत क्यों न की? पुलिस लाशें और बच्चों को छोड़कर फरार क्यों हो गई? गाड़ी से मिलने वाला असलहा और कुछ खुदकश जैकेट्स अब तक क्यों मंजरे आम पर ना लाई गई? गाड़ी में खुदकश जैकेट्स थी तो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद क्यों कोई धमाका ना हुआ? गाड़ी में बारूदी मवाद था तो CTD ने क्यों बम डिस्पोजल स्क्वाड को ना बुलाया? वाकिया के बाद क्यों फ्रांसक टीम ने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे ना किए? ऑपरेशन का क्राइम सीन क्यों महफूज ना किया गया? क्या किसी रेड बुक में खलील इसकी बीवी बेटी और ज़िशान के नाम बतौर मुश्तबे या दहशतगर्द दर्ज थे? क्या ज़िशान के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई? FIR में 16 एहलकार नामजद मगर गिरफ्तार 6 क्यों? इतनी छोटी सी गाड़ी जिसमें पहले ही 7 लोग बैठे हो, इसमें खुदकश जैकेट्स असले बारूद कैसे कहाँ था? और ये कहानी कि ज़िशान को घर में इसलिए नहीं पकड़ा गया कि कहीं वो अपने घर में बड़ा मनो बारूद फाड़ न दे, शहरी इलाके में तबाही न हो, इसलिए इसके लाहौर से निकलने का इंतज़ार किया गया। अब तो ज़िशान जावेद मारा जा चुका, कम अज़ कम अब ही इसके घर में बड़ा बारूद दिखा दिया जाए। अगर सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर के जरिए इस सानहा का भांडा ना फोड़ा जाता तो पंजाब के बड़ों ने मिलकर साबित कर देना था कि ये अगवाकार भी दहशतगर्द थी, बल्कि हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद CTD एहलकारों को सर्टिफिकेट नकद इनाम मिलते, तारीफें होती और ये हमारे हीरो होते। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी कई और कहानियाँ मार्केट में फेंकी जाएगी और चंद दिनों बाद ना झूठ सच का फर्क रह जाएगा। सूबाई हुकूमत ने JIT को 3 दिन का वक्त दिया, जबकि IG पंजाब ने आज हाई कोर्ट को बताया है कि तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दरकार है, तो अदालत मेहरबानी करके सबूतों को मिटाने की कोशिश पर ही मुकदमा दर्ज करवा कर CTD और मकामी पुलिस को मुलाजमतों से बर्खास्त करके गिरफ्तारियों का हुक्म दे दे, क्योंकि सबूत मिटाने की शौरी कोशिश भी नाकाबिले माफी जुर्म है। सूबाई वजीर कानून ने इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इसी नामुकम्मल रिपोर्ट की बुनियाद पर CTD के ऑपरेशन को 100% दुरुस्त करार देने के साथ साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मजलूम ख़ानदान के सरबराह खलील और इसकी बीवी और बच्ची का कत्ल जुर्म था, खलील बेगुनाह था और CTD के मुतलका एहलकार कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं, जिसकी बिना पर 5 CTD एहलकारों के खिलाफ कत्ल अम्द की दफ़ा 302 के तहत कार्रवाई होगी, जबकि 2 मुतलका एडिशनल IG, 1 DIG और 1 SSP को फारिग और DSPC CTD को मुअत्तल कर दिया गया है। ये अफसरान मुअत्तली के बाद कैंट डिवीज़न और दीगर मुतलका महकमों में रिपोर्ट करेंगे और चंद माह बाद दोबारा किसी न किसी अहदे पर विराजमान होंगे, क्योंकि पुलिस में मुअत्तली को सज़ा नहीं समझा जाता।
پولیس کے ایک سابق آئی جی شعیب سڈل نے پولیس میں سدھار لانے کے لیے پولیس رولز میں تبدیلی کر کے انہیں فوج کے سروس رولز کی طرز پر مرتب کرنے کی سفارش کی تھی کہ جس طرح فوج سے ایک بار نکل جانے والے افسر یا سپاہی کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسی طرح پولیس سروس رولز میں معطلی کی بجائے برخاست کر کے ہمیشہ کے لیے جرم کے مرتکب افسر یا اہلکار پر پولیس سروس کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ کئی ممالک میں تو جرائم میں ملوث پولیس اہلکاروں کو طویل عرصہ تک نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور انہیں کسی دوسری ملازمت کے حصول میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ انہیں کریمنل چارجز پر سروس سے برخاست کیا گیا ہے۔ وزیر قانون کی جانب سے آپریشن کے 100% درست ہونے کے دعوے کی بنیاد ڈرائیور ذیشان کا دہشت گرد باور کیا جانا، لیکن ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ وزیر موصوف ایک طرف ذیشان کو مجرم بتاتے اور دوسری طرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم مزید تحقیقات کرے گی۔ حالانکہ جتنے حضور انداز میں وہ آپریشن کو مکمل طور پر درست ٹھہرا رہے ہیں، اس کا تقاضا تھا کہ ذیشان کے دہشت گرد ہونے کے یقینی ثبوت بھی اس دعوے کے ساتھ ہی قوم کے سامنے پیش کر دیتے، لیکن کم از کم تادم تحریر ایسا کوئی ٹھوس ثبوت پولیس اور حکام سامنے نہیں لا سکے ہیں۔ اگر ذیشان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ایسے قابل اعتبار شواہد منظر عام پر لائے جا سکے جن سے اس کا ماورائے عدالت قتل جائز ثابت ہوتا، تو حکومت ساحنہ ساہیوال کے معاملے میں اپنی موجودہ کمزور پوزیشن سے بڑی حد تک نجات پا سکتی ہے۔ لیکن خود جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ میں ذیشان کے بارے میں مزید تحقیقات کے لیے وقت مانگا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جب تک ساری چیزیں واضح نہ ہو جائیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی شہادتوں اور لیبارٹری سے تجزیہ آنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور لیبارٹری تجزیہ آنے کے بعد ہی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیبارٹری تجزیے کے لیے ثبوت کہاں سے آئے، کیونکہ تمام ثبوت تو مٹا دیے گئے تھے، اور اگر کچھ باقی بچے تھے تو وہ عوام کا جمع غفیر جمع ہونے سے ضائع ہو گئے، کیونکہ سی ٹی ڈی اہلکار کارروائی کے فوری بعد کرائم سین محفوظ کیے بغیر ہی وقوع سے فرار ہو گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق تفتیش کے لیے فرانزک لیبارٹری کو ادھوری چیزیں بھیجی گئی ہیں، لیبارٹری کو سب مشین گن سے چلی ہوئی 45 گولیوں کے کھول بھیجے گئے، جبکہ سب مشین گنیں اور پوسٹ مارٹم سے ملی گولیاں نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی سربراہ نے جائے وقوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، نیز حقائق کو مسخ کرنے کی خاطر واقعے کے بعد گاڑی میں خودکش جیکٹ اور اسلحہ رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نہ تو متاثرہ گاڑی کی فرانزک جانچ پڑتال کروا سکی اور نہ ہی متاثرہ خاندان کے افراد سمیت واقعہ کے عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کر سکی۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر جے آئی ٹی کی تحقیقات ابتدا ہی میں مشتبہ ہو گئی ہے اور صورتحال کی پر اصراریت ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ثانیہ ساہیوال جے آئی ٹی کی بددیانتی نامکمل ثبوت تجزیے کے لیے فرانزک لیبارٹری کو بھجوائے گئے، تحقیقاتی ٹیم رضاکارانہ طور پر بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آنے والے عینی شاہدین حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی حقائق کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ذمہ داران کو معطل کرنے کی بجائے سروس سے برخاست کر کے کارروائی کی جائے تاکہ شکایتوں اور تفتیش پر
اثر انداز نہ ہو سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے معاملہ نیوز چینل کا پیج لائک کیجئے اور آگے سے آگے شیئر کیجئے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ خدا حافظ۔